मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं अध्याय 32 सीआरपीसी का। जो अध्याय 32 है, क्या प्रावधान करता है? दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण के बारे में प्रावधान करता है सीआरपीसी का अध्याय 32। इसमें धाराएं हैं 413 से लेकर के 435 तक। तो पहली जो सेक्शन है 413, धारा 368 के अधीन दिए गए आदेशों का निष्पादन, 414 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन, 415 उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश की निष्पादन का मुलतवी किया जाना, 416 गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड या मुलतवी किया जाना, 417 कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति, 418 कारावास के दंडादेश का निष्पादन, 419 निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन, 420 वारंट किसको सौंपा जाएगा, 421 जुर्माना उद्गृत करने के लिए वारंट, 422 ऐसे वारंट का प्रभाव, 423 जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट, 424 कारावास के दंडादेशों के निष्पादन का निलंबन, 425 वारंट कौन जारी कर सकेगा, 426 निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश का प्रभावशाली होगा, 427 ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट हैं, 428 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना, 429 कुछ व्यवर्तियां, 430 दंडादेश के निष्पादन पर वारंट पर का लौटाया जाना, 431 जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना, 432 दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति, 433 दंडादेशों के लघुकरण की शक्ति। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, 433 के कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों का निर्बंधन, 434 मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार की संवर्ती शक्ति, 435 कुछ मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले। ये था सीआरपीसी का अध्याय 432। थैंक यू दोस्तों।